हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी जगत के उभरते हुए गायक और अभिनेता नीलकमल सिंह के लाइफ स्टाइल के बारे में। इस वीडियो में हम आपको इनके जीवन के बारे में सब कुछ बताएंगे, साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे गरीब परिवार से होने के बावजूद भी इन्होंने सिंगिंग की दुनिया में अपना करियर बनाया और आज भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने सिंगर और अभिनेता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, नीलकमल सिंह का फुल एंड रियल नाम नीलकमल सिंह ही है। इनका जन्म साल 1993 में बिहार के बक्सर जिला के एक छोटे से गांव में हुआ था, तो इस हिसाब से अभी इनका उम्र 28 वर्ष है। इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई अपने गांव के एक सरकारी स्कूल से किए हैं। स्कूली पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ये बक्सर के किसी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है और ये ग्रेजुएट है। चलिए बात करते हैं इनके करियर के बारे में। सो दोस्तों, नीलकमल सिंह को बचपन से ही सपना था कि वो आगे चलकर एक सिंगर बनेंगे और बचपन में पढ़ने में कुछ खास तेज नहीं थे। जब भी इनके स्कूल में कोई प्रोग्राम होता था तो ये म्यूजिक में भाग लेते थे और इनके स्कूल टाइम में इनको कई सारा इनाम भी मिला हुआ था। नीलकमल सिंह ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत साल 2004 में आए भोजपुरी एल्बम एक गोरी शहरी से किए थे, जिसमें गाया गाना मौसी के चुमा लेला पापा आवेद मम्मी से कह देम। दोस्तों, ये गाना इनका हिट हुआ था और दर्शकों ने भी इस गाने को काफी पसंद किया था। उसके बाद इनके परिवार वालों ने भी इनको काफी ज्यादा शाबाशी दी थी। दोस्तों, इस एल्बम को करने के बाद ये भोजपुरी सिंगिंग रियलिटी शो सुर संग्राम में भी भाग लिया था, जिसमें उनका चौथा स्थान था। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और फिर उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को बैक टू बैक कई हिट भोजपुरी गाने दिए और फिर 2012 में ये मुंबई चले गए। वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने और भी कई सारे सुपर हिट गाने रिकॉर्ड किए और वो सभी गाना सुपर डुपर हिट रहा। दोस्तों, वैसे तो नीलकमल सिंह ने एक से बढ़कर एक कई सॉन्ग गाए हैं, लेकिन इनका एक गाना जो था लड़का तोहरे के पापा कहता, ये गाना काफी चला था और उसे यूट्यूब पे अभी के समय में 19 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है, जो कि नीलकमल सिंह के करियर के अब तक का सबसे सुपरहिट गाना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं इनके कुछ पसंदीदा चीजों के बारे में। सो इनका फेवरेट भोजपुरी एक्टर पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी और रवि किशन है। वही फेवरेट भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी, अक्षरा सिंह और काजल रघवानी है। इन्हें खाने में बिहारी खाना बेहद ही पसंद है। इनको गाना गाना, नए नए जगहों पे घूमना और फैमिली के साथ रहना और शूटिंग करना भी बेहद पसंद है। अगर बात करें नीलकमल सिंह के एक गाने के फीस और कुल संपत्ति की, तो दोस्तों, ये एक गाने के लिए लगभग 50,000 रुपए लेते हैं। वही इनका नेटवर्थ यानी कि कुल संपत्ति 5 करोड़ रुपए की है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।